नमस्कार और आपका स्वागत है पीआई न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ अप टू डेट। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। चीन ने एक हफ्ते में बना दी 1000 बेड वाला अस्पताल। कोरोना वायरस की चपेट में दुनिया भर में लगभग 18,000 लोग आ चुके हैं। कोरोना वायरस के चलते अब तक 362 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते हुए मरीजों के चलते चीन ने वुहान में 8 दिनों में एक अस्थायी अस्पताल बनाना शुरू किया था, जो अब पूरा हो चुका है। यह अपने आप में एक कमाल है। सिर्फ चीन में अब तक कोरोना वायरस में मरने वालों की संख्या 362 हो चुकी है। इसी के चलते ये कदम उठाया गया। कोरोना वायरस का कहर जारी, WHO द्वारा जारी किया गया निर्देश। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, जिसके कारणवश WHO द्वारा निर्देश जारी किया गया, जिसके चलते सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाई जाए और इसके लिए अलग से परीक्षण टीमों का नियुक्त किया गया। इसी के चलते गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में कोरोना वायरस का निरीक्षण करने के लिए 15 जनों की एक टीम का नियुक्ति किया गया, ताकि वे सभी विदेशी पर्यटकों का निरीक्षण कर सके। जामिया यूनिवर्सिटी फिर निशाने पर, पुलिस को नहीं मिला कोई सबूत। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास रविवार रात को फायरिंग की घटना सामने आ रही है। खबर है कि जामिया के गेट नंबर 5 के पास फायरिंग हुई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस को इस घटना की कोई सबूत नहीं मिली है। पुलिस को मौके से कोई कारतूस भी बरामद नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने अब तक जो CCTV फुटेज खंगाले हैं, उनमें कोई संदिग्ध नहीं दिखाई दी है। हालांकि पुलिस अभी तक सबूत जुटाने पर जुटी है। इसी वजह से यह बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि जामिया के पास बीती रात फायरिंग हुई या नहीं। CAA और NRC पर आया उद्धव ठाकरे का बयान, कहा इससे मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी होंगे प्रभावित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए हैं कि वो संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन NRC और NRP का विरोध करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना की महाराष्ट्र के सहयोगी पार्टी कांग्रेस और NCP, NPR और NRC सहित नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना के इंटरव्यू देते हुए कहा, नागरिकता संशोधन कानून के तहत किसी भी देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि वो महाराष्ट्र में NRC लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे हिंदुओं को भी अपनी नागरिकता साबित करने में दिक्कत होगी। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड को 5-0 से हराया। भारतीय टीम में माउंट मांगुनाई के वे ओवल स्टेडियम में खेले गए 5 मैचों में T20 सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 7 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार 5 मैचों में T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड टीम ने 9 विकेट खोकर 156 रन बना दिया। तो इन्हीं खबरों के साथ मैं आप सबसे विदाई लेती हूँ। देश और दुनिया की और भी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे PI न्यूज, आपके द्वारा आपके साथ। धन्यवाद।